धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। भारतीय रेल हमारे राष्ट्र की जीवन रेखा है। ये घोषवाक्य भारतीय रेल के महत्व को अधोरेखित करता है। हमारी रेल एशिया खंड का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो हर भारतीय नागरिक के जीवन को भारी प्रभाव डालता है। अध्यक्ष जी, हमारी रेलवे केवल आवागमन का साधन या उद्योग का साधन नहीं है, वो ये संसाधन है जो राष्ट्र के आपातकालीन परिस्थिति में भी राष्ट्र को सेवा देने में तत्पर रहती है। इसका एक उदाहरण है, जब हमारे महाराष्ट्र में लातूर में सूखा पड़ा था, उस वक्त रेल ने ही आगे आकर रेल से वहां पे पानी पहुंचाने का काम किया था। ये हमारे रेलवे का जो काम है, जो लोकाभिमुख काम रेलवे कर रही है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं खुद को भाग्यवान समझता हूं कि जब हमारे देश की पहली रेल शुरू हुई तो मुंबई से थाना तक पहली रेल चली, और मैं थाना डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, मेरा लोकसभा क्षेत्र भिवंडी है। पहली रेल मुंबई से थाना चली और पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई चल रही है, लेकिन वो थाना होके जा रही है। कहीं ना कहीं इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसलिए हमारे थाना का जिक्र भी उसमें आ रहा है। हमारे साथी अरविंद सावंत जी ने यहां पे कहा कि इस रेल का क्या फायदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद वो जानते नहीं है, मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, वो लोकसभा क्षेत्र का नाम भिवंडी है। भिवंडी टेक्सटाइल का सबसे बड़ा हब है और सूरत भी टेक्सटाइल का हब है। भिवंडी का और सूरत का टेक्सटाइल का कनेक्शन है। हम अगर भिवंडी से बाय प्लेन हमको सूरत जाना है या अहमदाबाद जाना है तो भिवंडी से 2 घंटा मुंबई जाने के लिए लगता है। अगर ये बुलेट ट्रेन शुरू होती है तो हमारे भिवंडी के साथ ही सूरत जाने के लिए 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, और इनको कारोबार करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वहां पे जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए जो बुलेट ट्रेन आ रही है, ये बुलेट ट्रेन का फायदा टेक्सटाइल के व्यापार के लिए बहुत बड़े पैमाने पे होने वाला है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मैं रेल मंत्रालय को धन्यवाद दूंगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में आजादी के 70 सालों से कुछ डिमांड लोग कर रहे थे, जैसे कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक मुरबाड़ तहसील आता है, कल्याण से मुरबाड़ तक की रेल की मांग 70 सालों से चल रही थी, लेकिन 70 सालों में वो पूरी नहीं हो पाई। हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के आशीर्वाद से, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने हमारी कल्याण से मुरबाड़ तक की रेल मंजूर कर दी, उसको एलोकेशन भी कर दिया। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से विनती करूंगा कि इसको जल्द से जल्द गति देके, इसका डीपीआर भी हुआ है, इसका काम शुरू करने के लिए टेंडर निकालने का काम आपके माध्यम से मैं विश्वास विनती करता हूं जल्द से जल्द करें। मैं हमारे अरविंद सावंत जी ने और एक जिक्र किया था, नाना शंकर शेठ जी का, जो नाना जिन्होंने भारत की पहली रेलवे मुंबई से थाना चलाने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो मेरे लोकसभा क्षेत्र मुरबाड़ तहसील से ही आते हैं। उनका जन्म मुरबाड़ में हुआ था और उनके गांव में रेल जाने के लिए आजादी से लेकर आज तक 167 सालों में वहां पे रेल नहीं जा पाई, इसलिए ये रेल मंत्री रेलवे मंत्री जी से मेरी विनती है कि नाना शंकर शेठ जी को अगर सही मायने में श्रद्धांजलि देनी है तो मुरबाड़ की रेल ये जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए और लोगों को उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। मेरे लोकसभा क्षेत्र में बदलापुर स्टेशन है, वहां पे होम प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है, होम प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है, लेकिन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जब से वहां पे ट्रेन आई है तब से उसके ऊपर आधा ही ऊपर से शेड है, वो पूरा शेड करने के लिए मैं रेलवे मंत्री से विनती करता हूं कि वो जल्द से जल्द उसका काम पूरा करने का काम करे। जैसे मध्य रेलवे पे शाहपुर तहसील में 8 गांव और 5-6 स्थानक है, ये दोनों स्थानक के बीच में कलम गांव है, वहां पे 25 से 30 गांवों को जाने के लिए अंडरपास जो पहले बना हुआ था वो पानी जाने का रास्ता है, ऐसा रेल के
रिकॉर्ड में है, इसलिए रेल ने उसको जैकेटिंग कर दिया और वो छोटा कर दिया, इसलिए 25 से 30 गांवों का संपर्क गाड़ी से तो है सर, 2 मिनट। और वैसे ही बदलापुर शहर के नजदीक चामटोली स्टेशन की मांग कई सालों से हो रही है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी के ध्यान में एक बात, जब बारिश जोर से हुई थी और बाढ़ आई थी उस वक्त महालक्ष्मी ट्रेन वहां पे फंसी हुई थी, अगर चामटोली स्टेशन बना हुआ होता तो 900 पैसेंजर वो ट्रेन में फंसे हुए थे, उनको बोट से निकाला गया। अगर वहां पे स्टेशन बना होता तो बोट वहां पे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों को हम आसानी से वहां से निकाल सकते थे। मैं जिस भिवंडी से आता हूं वहां पे टेक्सटाइल का और वेयर हाउसिंग का बहुत बड़ा कारोबार है, इसलिए मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से विनती है, मुंबई से बहुत सारे लोग व्यापार के लिए भिवंडी में आते हैं और मुंबई से लोकल ट्रेन भिवंडी के लिए चलाना बहुत जरूरी है, और जो बाहर की ट्रेनें वहां से जाती है वो बाहर के ट्रेनों को भिवंडी में मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री से विनती करता हूँ। ये गुरौली स्टेशन है टिटवाला के बाजू में, गुरौली स्टेशन के भी मांग है, उसका सर्वे हुआ है, वो भी जल्द से जल्द मंजूर करने के लिए रेल मंत्रालय ने पहल करनी चाहिए, ये आपके माध्यम से मैं